हेलो अनंत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना ब्लॉग बहुत लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थी बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि हमें करना है मकान अभी शिफ्ट इस मंथ के लास्ट में। और आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, देखो कितने ज़्यादा कपड़े धोए हैं। और इसके पापा ने डस्टबिन वगैरह धोए हैं और मैंने दूसरी जो बकेट वगैरह थी वो भी धोई है मैंने। नंती और कैंपर वगैरह वॉश किया, मिक्सी साफ़ की, बहुत मतलब फ्रिज सब कुछ मैंने डीप क्लीन किया। और ये जो किचन के होते हैं ना, है ना, टावल वगैरह, ये पोने कपड़े, ये जो हैंड टावल होता है, ये सब कुछ मैंने वॉश कर दिया। और कर्टन रह गए हैं ये और अगले रूम के, ये भी मैं वॉश कर दूँगी। अभी हम भी कहते हैं चाय, ये देखो। और अभी मैं बर्तन रखूँगी और आज हम जो भी फालतू सामान है ना, ये देखो, ये देखो, इसने अपना वो निकाल लिया, ये देखो, इसको गिफ्ट बना मिला था, इसकी हट से बनती है, बर्थडे पे गिफ्ट मिला था। और अभी हम फालतू सामान निकाल के फेंकने वाले हैं। और अभी मैं बर्तन रखने जा रही हूँ किचन में। और ये देखो, उस दिन मैंने सेट किया था ना, अभी तक सेट ही है, थोड़ा बहुत हिला है, थोड़ा बहुत नहीं तो सेट ही है, ऑल सेट है। ये देखो कैंपर भी कितना अच्छा मैंने वॉश करके बना दिए, और फ्रिज भी कितनी अच्छी कर दी है साफ करके मैंने। और ये पानी वाली डोलियाँ, ये भी मैंने वॉश कर दिया, आज बहुत सारा काम किया। और अभी बहुत सामान निकालने जा रहे हैं। आज सुबह खाने में चपाती बनी थी और बच्चों के लिए पनीर के पराठे बने थे, और दोपहर को देखती है क्या बनता है, तब तक मैं काम करती हूँ। बाय बाय। अनंत आलमड़ खा रहा है। हार्ली भी देखो कार्टून अपने दिन भर देखते हैं। और इधर हमारा टाइम हो गया चाय का, और चाय पी जा रही है। इधर देखो ये अनंत की चाय है, क्योंकि ये चाय का पक्का अमली चाय पीता है। और ये हार्ली की चाय है, इसके पापा ने पी ली, मैंने अभी पी नहीं, पता नहीं पीऊँगी कि नहीं। और फिर शाम को देखते हैं क्या बनता है। अनंत और देखो कितने फिर अच्छे डस्टबिन भी चंगी तरह साफ करते, वॉश करते। और देखो डस्टबिन चक्कू का हूँ जाके। आज मैं बना रही हैं कद्दू 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 कद्दू, आ देखो कद्दू। आज तो ना दोपहरे की होया भाई, एक मिनट मैं कुंडी खोलन दे, फिर किचन दी मोबाइल ना मैं रखता स्टेज। अज तो भाई दोपहरे लिया भटूरे, खा ले टेस्टी सी। इन्नी जान औखी हो रही है ना हुण, इन्नी जान औखी हो रही है दस नहीं सकते। उपरों भारी भारी होया पैगा पेट, नाल तां अजवाइन खा ली, कोई असर नहीं पिया। हुण ओह एसिड दे कैप्सूल लैण गए, इहदे पापा नाल दुध लैण गए, फिर देखो कुछ फर्क पैंदा, खा के देखूंगी मैं। अज कद्दू की सब्जी बनाउने आपां हल्की जी, इहदे पापा आ वी लै गए, ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਮੈਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਰਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਆਹ ਫਲੀਆਂ, ਇਹ ਚੋਲੇ ਫਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਿੰਡੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਲੈ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਆ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆਹ ਚੱਕ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਭੁੰਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ ਫਲੀ ਆ ਗਈ, ਫਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਹ ਫਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਮੱਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ,
मैं ट्रिक दसदी हाँ तुम्हें, पता की करो जो थोड़े अचानक ही जिमें मेरे मसाला तेल पै गया सीगा हाथ पे, तो हाड़े भी मसाला या तेल हाथ पे पै जांदा, तो तुम की करना एक बार तो तुम मैं पता ओबियसली ठंडे पानी थले करोगे या पेस्ट लाओगे, हाँ ला लो कोई गल नहीं, एक बार ठंडक मिल जू उस तो बाद वॉश करके ना हाथ नूं उसते चंगी तरह नारियल तेल ला दो, थोड़े कदे भी छाला नहीं होगा, दो तीन बार दिन की अपलाई करो छाले नहीं होंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे बिल्कुल। मेरे बहुत बुरी तरह हाथ बचा सी, मैं ला के सुती रात को, सवेर तक मेरा हाथ बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया सी, बहुत ज़्यादा हफ्ते तो भी ज़्यादा रिकवर हो गया सी। तो यह मेरा जो ट्रिक है स्पैशल तुम एक बार करके देखियो, तो सो होर भी मैं सू ट्रिक दूँगी। ये देखिए दूध मैंने गर्म रख दिया, वो लेके आ गए हैं दूध, सरसों का तेल नहीं है तो देसी घी में बना रही हूँ, रिफाइंड मिर्च भी बन के, और बर्तन वगैरह मैंने सारे माने दिए, और अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ। ये देखिए आटा हमारा गूंथ गया, हाँ इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे फ्रिज में। ये थोड़ा सा आटा लग गया, मैंने उल्टा रखा था ना ढक्कन, फ्रिज में कभी भी हमें बर्तन रखना ना बिल्कुल साफ करके रखना चाहिए, तो फ्रिज में गंद नहीं पड़ता। ये देखिए अभी मैंने फ्रिज ना बंद कर रखा थोड़ी देर के लिए, और सब्जी की सीटी आने को तैयार है, क्योंकि कद्दू की सीटी लगाए तो ही घुलता है अच्छे से, और दूध हमारा गर्म हो गया, और अभी मैं पाठ करूँगी, जोत लगा के पाठ करूँगी, उसके बाद हमें कहीं जाना है, किसी के घर जाके आना है, वहाँ जाके आएंगे, फिर देन मैं बनाऊंगी अपनी रोटी। ये देखो कितनी बड़ी बोतल लग रही है, ओनली 150 ml की बोतल है जी, कितनी बड़ी लग रही है जहाँ। अनंत को मैं दूध पिला रही हूँ अभी, और फिर मैं पाठ करूँगी, फिर इसके बाद हम कहीं जाके आएंगे, इसको अब फिर नहलाऊँगी क्योंकि 3-4 बार तो नहा चुका, और अभी वो देखो अगर वो नहा रही है ओ नो नो हाय, ओ देखो पानी पा रही है साढ़े ते, आ देखो नंत तक आ गई, हार्लिम नो बेबी हार्लिम नो। हेलो जी, टाइम हो गया 9:30 का, हम लोग वापस आ गए हैं, अभी मैं खाना बनाऊंगी। ये देखो अनंत के भी कपड़े चेंज कर दिए, हरलीप के भी कर दिए, मैंने भी कर लिए, और अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करने लगी हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय 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 बाय, आई लव यू, गुड नाइट।